नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल दीप पटेल 01 पे। जैसा कि आपने थंबनेल टाइटल में देख लिया होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कुछ इन्फोग्राफिक्स देख रहे हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के ये जो इन्फोग्राफिक्स हैं, ये बहुत ज्यादा वायरल चल रहे हैं 2020 के अंदर, और ये सारी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा वायरल होती हैं। और इससे क्या हो सकता है कि आप अपने इंस्टाग्राम या तो अपने पिंटरेस्ट अकाउंट पे बहुत ज्यादा ऑडियंस को बहुत जल्दी ला सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस तरह के आप इन्फोग्राफिक्स किस तरह से फटाफट बना सकते हो। रोज आपका लगभग आधा या एक घंटा लगेगा और आप इस तरह के 10-20 इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो। उसके बाद आप उसे अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर अपलोड कर सकते हो, साथ ही साथ अपने पिंटरेस्ट के ऊपर भी अपलोड कर सकते हो, और तो और इससे अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो पिंटरेस्ट के जरिए या तो इंस्टाग्राम के जरिए, जैसे ही आप एक ऑडियंस बिल्डअप करते हो। तो यार, इस तरह के ग्राफिक्स बनाना बहुत ज्यादा इजी है और आप में से ज्यादातर लोग बहुत इजीली कर लोगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ कैसे इस तरह के इन्फोग्राफिक्स आप बना सकते हो 5-10 मिनट के अंदर, और उसके बाद अपने इंस्टाग्राम पेज पे या तो फिर अपने पिंटरेस्ट के ऊपर अपलोड कर सकते हो, और इसमें आप अपने अफिलिएट लिंक्स को भी प्रमोट कर सकते हो इनकी मदद से। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो, और सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे डिस्कस। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। तो चलो हम हो जाते हैं छोटे, आ जाते हैं स्क्रीन के साइड पे, और एक बार हम आ गए साइड पे तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा इन्फोग्राफिक्स हम कैनवा की मदद से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैनवा को ओपन कर लेते हैं। एक बार आप कैनवा में आ गए तो हम यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए एक इन्फोग्राफिक बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम पोस्ट पे यहाँ पे सर्च करोगे इंस्टाग्राम पोस्ट तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, तो आपको उस पर क्लिक कर लेना है। मैंने ऑलरेडी एक टैब में ये ओपन करके रखा है, तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट को ओपन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो यार यहाँ पे हम देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब आप यहाँ पे बहुत सारे टैंपलेट्स मिलेंगे इस तरह से, ठीक है। तो आपको क्या है, यहाँ पे ऐसे इंस्टाग्राम के जो आप यहाँ पे देख रहे हो ब्लैक बैकग्राउंड वाला और ये ग्राफिक वाला, ऐसे भी बहुत सारे टैंपलेट्स आपको मिलेंगे। तो ऐसे टैंपलेट्स का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक इन्फोग्राफिक बनाते हैं वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसे एडिट करता हूँ, वर्किंग फ्रॉम होम आइडियाज, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इन्फोग्राफिक है वो यहाँ पे इस तरह से रेडी कर देता हूँ, और इसे हम यहाँ पे बीच में ले लेंगे, ठीक है। और इसका हम कलर भी चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, पहले इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ से इसका कलर डिसाइड कर सकते हैं। तो यार इन्फोग्राफिक्स में सबसे ज़्यादा येलो कलर काफ़ी ज़्यादा डैशिंग दिखता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे येलो बनाते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्किंग फ्रॉम होम आइडियाज, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसे हम उड़ा देंगे। चलो अब हम यहाँ पे लिखेंगे @, मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इन्फोग्राफिक्स का ऊपर का जो एरिया है वो हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस इन्फोग्राफिक को यहाँ पे रेडी करते हैं, और अब हम यहाँ पे इसके अंदर का जो कंटेंट है उसे ऐड करेंगे। इसे हम छोटा कर देते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे ग्राफिक्स हैं ये आपको pixels.com पे मिल जाएंगे, Pixabay पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप ऐसे ग्राफिक्स डाउनलोड कर सकते हो जिनका बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव्ड होता है। और यहाँ से आप चाहो तो कैनवा के अंदर जो भी टेक्स्ट अपना डालना चाहो उस टेक्स्ट को डाल सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ये टेक्स्ट ले लेते हैं जिसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो बुलेट लिस्ट है उसे सिलेक्ट करना है ताकि आपका जो भी टेक्स्ट हो वो यहाँ पे एज अ बुलेट लिस्ट अपीयर हो, ठीक है। तो अब हम सबसे पहला चीज़ करेंगे कि सबसे पहला क्या होगा, हमें वर्किंग फ्रॉम होम आइडियाज, तो पहला आइडिया है ब्लॉगिंग, ठीक है। अब सेकेंड है यूट्यूब, थर्ड है पेजेस, ठीक है। आप चाहो तो इसे थोड़ा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद हम इसे एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से,
लॉग इन, इंस्टाग्राम थीम पेजेस, थोड़ा बहुत और टेक्स्ट ऐड करेंगे, एक दो और आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, अभी तो मेरे दिमाग में ये तीन ही आइडिया आ रहे हैं, अगर आपको कोई दूसरा आइडिया आ रहा है तो कमेंट करके लिख दो। लॉगिंग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, थीम पेजेस, कोर्सेस, सेलिंग, डिजिटल कोर्सेस। ठीक है, तो ये चार आइडियाज हैं जो कि हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये पूरा एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये चारों आइडियाज हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब आप चाहो तो इसे अपने हिसाब से कलर एडजस्ट कर सकते हो, इसका फॉन्ट अगर चेंज करना चाहो तो वो कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे फॉन्ट को थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा अलग सा फॉन्ट रखते हैं कोई भी, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है तो इस वाले फॉन्ट को हम रखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे पिक्सल्स पे जाओगे। ठीक है, pixabay.com, आप pixabay.com पे जाओगे। अगर आपको यहाँ पे कोई भी इमेज डालनी है जिसमें बैकग्राउंड ना हो तो आप यहाँ पे वेक्टर पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम लिखोगे तो आपको ये बहुत सारे अच्छे खासे इमेजेस मिल जाएंगे, ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आप इस तरह के वेक्टर इमेजेस को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको ऐसे इमेजेस मिलेंगे। और भी एक ऑप्शन ऑप्शन है जहाँ से आप इस तरह के वेक्टर इमेजेस डाल सकते हो, और वो है कि आप यहाँ पे से जा सकते हो एलिमेंट्स में। ठीक है, एक बार आप एलिमेंट्स में जाओगे तो आपको एलिमेंट्स में भी कई सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स पे अगर आप सर्च करो इंस्टाग्राम, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उनको यहाँ पे इस तरह से ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहला है, ठीक है, तो ये आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे छोटा बड़ा करते हैं, और उसके बाद आप उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, चाहो तो इस तरह से ऐड कर दो। ठीक है, और इसको फिर छोटा कर दो, और इसे हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और छोटा ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एक इंस्टाग्राम का हो गया। अब यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं यूट्यूब, अब देखो यार यूट्यूब के रिलेटेड भी आपको मिल जाएंगे, ब्लॉगिंग भी मिल जाएंगे, डिजिटल कोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये यूट्यूब वाला मिल गया, बस तो यहाँ पे यूट्यूब वाले को ले लेना है, इसको थोड़ा छोटा करना है, और इसको पकड़ के यहाँ पे साइड में रख देना है। आई थिंक इसे इस साइड रखना बेटर रहेगा क्योंकि जगह कम है। ठीक है, चलो हो गया इंस्टाग्राम, यूट्यूब। अब अगर आपको ब्लॉगिंग का कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च करके देख लो, एंटर मारो। कुछ फ्री इमेजेस, ओके ये वाला चल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, और सेलिंग डिजिटल कोर्सेस। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कोर्स, कुछ ना कुछ आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे जिन एलिमेंट्स को आप यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें फ्री वाले में भी मिली जाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो शायद आपको फ्री वाले में ना मिले। ठीक है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो पिक्सल्स का। ठीक है, तो पिक्सल्स पे आपको ऐसी काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पे लिख के देखो कोर्स।
लेट्स सी अगर हमें कुछ मिलता है जो भी काम आ सकता है, आई थिंक ये वाला चल जाएगा। ठीक है, तो कोर्स ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव है, तो इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करो। ओके, डाउनलोड। अगर आप रोबोट हो तो यहाँ पे क्लिक मत करना, अगर नहीं हो तो कर देना। तो ये यहाँ पे डाउनलोड होता है और उसके बाद आप उसे सिंपली कैनवा पे अपलोड कर सकते हो और यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जहाँ पे भी आप ऐड करना चाहो वहाँ पे। ठीक है, तो हम इसे कर लेते हैं डाउनलोड। ये यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, हम आ जाते हैं कैनवा पे। आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो जो भी फाइल अपनी अपलोड करना चाहो। तो यहाँ से हमने इसे अपलोड कर दिया, तो ये यहाँ पे आ गया, अपलोड हो रहा है। तो बस आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो यहाँ पे। और लेकिन आप अगर बाहर से कोई भी फाइल अपलोड करते हो तो उसका कलर चेंज नहीं कर सकते, ये कैनवा की लिमिटेशन है। लेकिन इतनी लिमिटेशन तो चल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना लोगो लगा सकते हो आप चाहो तो। अगर आपका कोई भी एक लोगो है, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे चैनल का लोगो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये मेरे चैनल का लोगो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये देख सकते हो कि आप एक मेरा एक इन्फोग्राफिक रेडी हो चुका है। अब इस इन्फोग्राफिक को मैं ऐड कर सकता हूँ अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो वीडियो फॉर्मेट में है उसकी जगह आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है PNG हाई क्वालिटी इमेज। ठीक है, उसके बाद आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एक बार ये डाउनलोड हो जाएगा तो ये रेडी है आपके इंस्टाग्राम या तो आपके पिंटरेस्ट पे अपलोड करने के लिए पूरी तरह से। तो यार ये बहुत ही सिंपल चीज़ है जिसकी मदद से आप कर सकते हो काफ़ी अच्छी अपने इंस्टाग्राम की ग्रोथ कर सकते हो, साथ ही साथ आप अपने पिंटरेस्ट की भी ग्रोथ कर सकते हो और साथ ही साथ आप अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका जो ये लोगो है वो आपकी जो भी पोस्ट होगी उसके ऊपर आपका एक लोगो आने वाला है, जिसकी मदद से क्या होगा कि आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि आपकी जो पोस्ट है वो पोस्ट सिर्फ आपकी रहेगी और कोई भी अगर आपके पोस्ट को रीयूज करता है तो उसे भी पता चलेगा कि इसका ओरिजिनल क्रिएटर है वो आप हो। और इससे क्या होगा कि आपका जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर ज़्यादा लोग आने लगेंगे और तो और आपकी ग्रोथ काफ़ी जल्दी होगी, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और साथ ही साथ ये पिंटरेस्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो आपके पास यहाँ पे अर्निंग करने का एक काफ़ी अच्छा तरीका है इन चीज़ों की मदद से। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल, इनको बनाना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। रोज़ अगर आप 1 घंटा इन्वेस्ट करते हो तो आप ऐसे 5-10 पोस्ट इजिली क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद इन पोस्ट को आप अपलोड कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम पे या तो अपने पिंटरेस्ट पे और इससे एक काफ़ी अच्छी ऑडियंस बिल्डअप कर सकते हो। क्योंकि इन्फोग्राफिक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है तो आपके पास एक ज़्यादा अच्छा तरीका है ज़्यादा अच्छे से पैसे कमाने का। जो दूसरों की पोस्ट कॉपी करके अपने पेजेस पे कब तक अपलोड करोगे? अब जो टाइम आ गया है कि आप खुद का पर्सनल ब्रांडिंग करो ताकि लोग आप पे ट्रस्ट करें और आप उनसे ज़्यादा पैसे कमा सको। आपको अगर लोग ट्रस्ट करेंगे तो आप जो भी चीज़ रिकमेंड करोगे वो लोग खरीदेंगे और उसके बाद आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ काफ़ी सिंपल है और आपको पैसे कमाने के लिए काफ़ी अच्छा एक मौका मिल रहा है इस तरह से। तो डेफिनेटली टेक दिस अपॉर्चुनिटी और इस तरह के पोस्ट बना सकते हो। साथ ही साथ आप फाइबर पे ऐसे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो जिसमें आप लोगों को सिखा सकते हो कि आप इस तरह की पोस्ट कैसे बना सकते हो, इस तरह की पोस्ट बनाकर उन्हें दे सकते हो और उससे भी अर्निंग कर सकते हो। तो ये सारे तरीके आपके लिए खुल जाते हैं। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल तो है नहीं, आपको बस थोड़ा बहुत टेक्स्ट एडिट करना है और थोड़ी बहुत इमेजेस ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं और आपकी पोस्ट यहाँ पे रेडी हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वाला जो वीडियो है वो पसंद आया हो और इस वीडियो से कुछ आपको वैल्यू मिली हो, क्योंकि यार वैल्यू सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने यहाँ से कुछ नया सीखा है
कुछ आपको वैल्यू मिली है, और अगर आप इस चीज को अप्लाई करने वाले हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आई विल बी टेकिंग एक्शन। अगर आपकी कोई डाउट्स क्वेरीज हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और इंग्लिश में ये कंटेंट देखना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर माय इंग्लिश चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।